नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करें तो देखिएगा, भारत और चीन को लेकर अभी विवादों में फिर से ये टॉपिक आ गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारी जगहों के माउंटेन्स के रास्तों के नाम बदले, लगभग 30 नाम उसने बदले हैं। तो इसको लेकर फिर से विवादों में आ गया। और ऊपर से फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि नाम बदलने से क्या होने वाला है। तो इसको लेकर हम बात करें भारत चीन की सीमा की, तो दैनिक भास्कर के इस हवाले से अगर बात करें इनकी इस खबर से, देखिएगा मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें जो बताते हैं। भारत और चीन सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। कितने सेक्टर में बटी हुई है? 3 सेक्टर। भारत और चीन करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके, चाहे पॉलिटिकल आप पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट से हो या ज्योग्राफी से, दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो भारत और चीन करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है। तो ये इसे LAC नाम दिया गया। LAC भारत और चीन के मध्य है, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं। ये देखिएगा, ये ऊपर है सियाचिन का ग्लेशियर, बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। पाकिस्तान का ये हिस्सा था सियाचिन ग्लेशियर। ये पाकिस्तान ने ये हिस्सा किसको दिया था? चीन को दिया था, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान ने किसको दिया? चीन को, ठीक है। अब आता है ये वाला हिस्सा, लद्दाख के साइड, अक्साई चीन जिसे कहा जाता है, कि अभी विवादों में भी है, क्यों लद्दाख को लेकर जो है आपके वो आंदोलन भी चल रहा है। उस आंदोलन को लेकर भी इन्होंने भी दावा किया था कि चीन अंदर तक आ गया है। तो इसको भी लेकर बात करें तो ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन लद्दाख के पूर्व की तरफ, जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। अक्साई चीन इस क्षेत्र का नाम है, इस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। फिर बात करें ये मध्य का सेक्टर, देखें यहाँ का मध्य सेक्टर LAC, और इधर से LAC पूर्वी सेक्टर और मध्य सेक्टर LAC दोनों, ठीक है। ये फिर LAC, ठीक है, LAC ये इसे अपना बताता है। डोकलाम विवाद, कह रहे हैं कि डोकलाम तक आ गए, अभी ये भी जो है चर्चा में रहा था। तो इन हिस्सों पर जो है चीन अपना आधिपत्य बताता है, और अरुणाचल प्रदेश को लगभग पूरा अपना ये बताता है चीन। तो ये है, ठीक है, इस तरीके से हमने इस मैप के जरिए इसको देखा। ये डोकलाम विवाद हो गया, ठीक है। तिब्बत है, ये तिब्बत के हिस्से ही इनको मानता है ये, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश को भी तिब्बत का हिस्सा मानता है, ठीक है। तो इसको लेकर चीन ने जो अपना कब्जा इस पे बताया है, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया है। आपका क्या सोचना है इस विषय पर, जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।